स्वागत है आपका हमारी स्पोकन क्लास में। दोस्तों, क्या आपको पता है मैं अंग्रेजी बोलने का शौकीन हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने का शौकीन हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है मैं चाय पीने का भी शौकीन हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है मैं घूमने का शौकीन हूँ। दोस्तों, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का शौकीन होता है। आप भी किसी चीज़ के शौकीन तो होंगे, लेकिन अगर आपको बोलना है कि मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, या फिर पीने हटा दीजिए, मैं चाय का शौकीन हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे? दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे ही वाक्यों को। दोस्तों, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने के लिए हम फाउंड ऑफ का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये फाउंड नहीं है, ध्यान रखना, फाउंड अलग होता है, ये फाउंड है। फाउंड तो फाउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, तो चलिए पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं, पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं, प्रत्येक वाक्य को मैं लिखवाता हूं। तो चलिए, ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि मैं पढ़ाने का शौकीन हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, बोर्ड पर फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौक होना या फिर शौकीन होना। ध्यान रखना, हम शौक भी बोल सकते हैं, शौकीन भी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, मैं आपको समझाऊंगा स्ट्रक्चर। पहले एक वाक्य देखते हैं। एक वाक्य, मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक है। इसका मतलब हुआ कि मैं अंग्रेजी, मुझे बोलना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए स्ट्रक्चर। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिख दूंगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब दोस्तों ध्यान रखना है, अगर आप प्रेजेंट में वाक्य बोल रहे हैं तो आपको इजेमार लगाना है, अगर आप पास्ट में वाक्य बोल रहे हैं तो आपको वॉजबर लगाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रेजेंट में वाक्य बोल रहा हूँ तो मुझे इजेमार लगाना है, पास्ट में बोलूंगा तो वॉज वर्ड लगाना है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे लगाया क्या, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगा देना है फाउंड ऑफ। ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है फाउंड ऑफ, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना, गो वेंट, गोन और गोइंग, तो फोर्थ फॉर्म लगाना है, मतलब आईएनजी फॉर्म लगाना है। उसके बाद आप लगा दीजिए ऑब्जेक्ट। चलिए वाक्य बना के देखते हैं। मैं, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई, आई के साथ चूंकि प्रेजेंट है तो मेरे पास थ्री ऑप्शंस आते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा। चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एज, है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया एम, मैंने यहाँ पे लिख दिया आर। अब मैं आपको यहाँ कोने में बता देता हूँ कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। आपको पता है कि एम के साथ तो आई का करते हैं, ठीक है, उसके बाद आर के साथ हम करते हैं जितने भी बाकी बचे प्लोरल सब्जेक्ट्स, जैसे वी, दे और यू, या फिर कोई मोर देन टू नेम्स। उसके अलावा दोस्तों इस के साथ आता है सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जैसे कि ही, शी, इट, या फिर कोई नहीं। ये चार्ट आप कॉपी कर लीजिए, ये मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताया। दोस्तों चलिए वापस यहाँ आ जाते हैं, अब इधर हम देखते हैं। देखिए, मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक है, तो आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी एम, आई एम, और शौक है तो मैंने लगा दिया फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। अब बोलने का शौक हो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो स्पीक की फोर्थ फॉर्म हो जाएगा स्पीकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेजी बोलने का शौक है। ठीक है, चलो दोस्तों एक और वाक्य देखते हैं। गीता नाचने की शौकीन है। क्या बोलते हैं, बहुत सारी लड़कियां होती है तो शादी का इंतजार करती है, शादी हुई कि उनको नाचने को मिल जाएगा, खूब नाचती है। आप भी हो सकते हो, आप भी बहुत नाचते हो, है ना, थोड़ा कम नाचा करो। चलिए, गीता नाचने की शौकीन है, वरना मुझे वाक्य बनाना पड़ेगा। गीता नाचने की शौकीन है, तो देखिए लिखा है यहाँ पे गीता, उसके बाद गीता के साथ लगा दिया एज, क्योंकि गीता इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ देख लीजिए, नाम आ जाए तो क्या लगाना है, एज लगाना है, गीता एज। फिर लगा दिया मैंने यहाँ पे फॉन्ड ऑफ, और डांस के लिए आ जाएगा फोर्थ फॉर्म, डांसिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं, तो गीता इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक और वाक्य देखते हैं। उसे फिल्म देखने का शौक है। आपके बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मूवीज देखने का बहुत शौक होता है, किसी भी उनका जो फेवरेट जो हीरो होता है उसकी मूवी आती है उसके पहले ही लाइन लग जाती है कि मुझे वो मूवी देखना है, क्योंकि किसी किसी को मूवी देखने का शौक होता है। तो देखिए, लड़का है तो लगा देंगे ही, और ही के साथ आ जाएगा इज, तो ही इज फॉन्ड ऑफ, अब मूवी देखने को क्या बोलते हैं, वॉचिंग, तो ही इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी। देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी। तो दोस्तों देखिए मैंने किस प्रकार से तीनों वाक्य बना दिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तीनों आ गए होंगे। दोस्तों इनके नेगेटिव भी बना सकते हैं, इनके इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, और इनके इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। चलिए इनके नेगेटिव वाक्य बना के देखते हैं। अगर आपने अभी तक कॉपी नहीं किया है, कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, या फिर सबसे अच्छा जो मैं जो करता था, मैं क्या करता था, पहले वीडियो को पूरा शांति से पूरा देखता था, आराम से हेडफोन लगा के,
अकेले में बैठ के या दोस्तों के साथ बैठ के पूरा वीडियो देखता था, उसके बाद फिर वीडियो को पूरा देखने के बाद फिर सेकेंड टाइम कॉपी पेन लेके नोट्स बनाता था, उनकी प्रैक्टिस करता था। तो आप या तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, अदरवाइज यू कैन राइट एवरीथिंग आफ्टर वॉचिंग वीडियो। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब दोस्तों देखो, अगर कोई अंग्रेजी बोलने का शौकीन होता है तो नहीं भी तो होता है ना। देखो यार, मुझे अंग्रेजी का शौक नहीं है, ठीक है, मुझे खाने का शौक नहीं है, मुझे पीने का शौक नहीं है, मुझे नाचने का शौक नहीं है, तो इन वाक्यों को कैसे बनाएंगे? तो चलिए नेगेटिव देखते हैं। दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ आई और ही शी लिया, हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक नहीं है, उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक नहीं है। उन्हें मतलब कौन दोस्तों? दे। चलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे दे। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चुकी, मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर, मैंने लगा दिया आर। सो दे आर नॉट। नॉट क्यों लगाया? क्योंकि चूंकि क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ गया तो नॉट लगा देंगे। तो दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया वाक्य। सर क्या इसका इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं? बिल्कुल, आप क्या करिए, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए। क्या उसे पीने का शौक है? कई बार हम किसी का मन है ना पता करते हैं, क्यों, क्या तुम्हें पीने का शौक है? चलो बना के देख लेते हैं। क्या तुम्हें पीने का शौक है? अब देखो मैंने यहाँ पे जो है ना, क्या तुम्हें पीने का शौक है, मैंने यहाँ पे शराब नहीं लिखा है भाई। उसको लस्सी पीने का शौक भी हो सकता है, उसको पानी पीने का शौक भी हो सकता है, उसको चाय पीने का शौक भी हो सकता है। जब पीने की बात आती है तो तुम्हारे दिमाग में गलत विचार क्यों आते हैं? चलिए अपनी सोच को थोड़ा सुधारो, आई एम जस्ट जोकिंग, डोंट टेक सीरियस। तो क्या तुम्हें पीने का शौक है? तो हमने लगा दिया आर यू, क्योंकि जब हम इंटरोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं। मैं पिछले कई दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं हर बार आपको बताता हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको बार बार सुन के प्रैक्टिस हो जाए और फिर आप बोलने लगो। तो आर यू, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब तो आ गई, मेन सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब आगे लिख दी, सब्जेक्ट पीछे लिख दिया, बचा क्या, फॉन्ड ऑफ, तो लगा दें यहाँ पे आर यू फॉन्ड ऑफ। अब देखिए पीने के लिए हमने लगा दिया ड्रिंकिंग, आर यू फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, ये हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए व्हेन यू आर राइटिंग, इफ यू आर नॉट राइटिंग देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन यू डोंट नीड टू पुट क्वेश्चन मार्क बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग, बट द वे यू स्पीक द क्वेश्चन, द वे यू आस्क समथिंग, द वे यू इंक्वायर, दैट टाइप ऑफ इंप्रेशन, दैट टाइप ऑफ इमोशन शुड कम आउट। चलिए तो ये हो गया आर यू फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। तो इसी प्रकार से आप एक वाक्य को चारों भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने एक वाक्य लिया कि मुझे चाय पीने का शौक है, सच में भी है, पहले कॉफ़ी फिर चाय, बहुत सारे लोग कॉफ़ी पीने का शौक होगा है ना, तो चाय पीने का शौक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मुझे या मैं, इसको ऐसे बना दे दोस्तों, हिंदी में हम लोग वाक्य को चेंज कर सकते हैं, मैं चाय का शौकीन हूँ, मैं चाय का शौकीन हूँ। नाउ हाउ यू विल मेक अ प्रैक्टिस, सी द सेंटेंस, यू विल मेक द सिंपल सेंटेंस फर्स्ट, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, चाय पीने को टेक टी बोलते हैं, ड्रिंक नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना, ड्रिंकिंग टी मत कर देना। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, मैं चाय पीने का शौकीन नहीं हूँ, मुझे चाय नहीं लगती है। तो आपने क्या बोल दिया, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। क्या मुझे चाय पीने का शौक है, इंटरोगेटिव बनाएंगे, एम आई fond of taking tea question mark, you will make the interrogative, am I not fond of taking tea interrogative के लिए question mark।
दोस्तों देखिए, जब मैं इतना सारा बोर्ड पे लिखता हूँ ना तो टाइम लगता है, लेकिन चूंकि हम बेसिक से सीख रहे हैं और पूरा कंसेप्ट सीखना है ताकि हमें भविष्य में वापस और ना सीखना पड़े। होता क्या है, कई लोगों को मैंने देखा है कोचिंग पे कोचिंग बदलते रहते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं सीख पाते, क्योंकि वो भागते हैं ना, एक सेंटेंस देखा आ रहा यार ये तो आता है ये तो पता है, और टिकते नहीं, भाग जाते, बहुत सारी बातें छूट जाती है। सो दैट इज़ व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू स्टे हियर, टू स्टे टू वॉच द क्लास, अंडरस्टैंड। इस प्रकार से आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों प्रैक्टिस करके देखते हैं। मुझे लिखने का शौक है तो आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग, एम आई फॉन्ड ऑफ राइटिंग, एम आई नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग। मुझे गेम खेलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गेम्स, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गेम्स, एम आई फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गेम्स, एम आई नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गेम्स। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। पहले हम सिंपल की प्रैक्टिस करके देखते हैं। उन्हें फुटबॉल खेलने का शौक है, दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। मम्मी को खाना पकाने का शौक है, मदर इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड। पापा को मारने का शौक है, क्योंकि पापा बहुत सारे पापा ठोक देते हैं गुस्से में जब आ जाते हैं, क्योंकि आप मस्ती बहुत करते हैं, तो फादर इज फॉन्ड ऑफ बीटिंग। ठीक है, आपको अंग्रेजी सीखने का शौक है, बोलने का तो है ही पर सीखने का भी, तभी तो आप सीख रहे हैं ना, तो यू आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, किसी को पेड़ लगाने का शौक होता है ना, पौधे लगाने का शौक होता है, आप पेड़ तो लगा नहीं सकते हैं तो पौधे लगाएंगे ना, तो सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ प्लांटिंग, अंडरस्टैंड, प्लांटिंग सैपलिंग जो भी आपको लगाना। ऐसे बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं दोस्तों। पहले आई के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर शी के साथ कीजिए, फिर ही के साथ कीजिए, फिर आई के साथ, फिर वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, इट के साथ, सबके साथ कीजिए। राधा को डांस करने का शौक है, कैसे बोलेंगे, राधा इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। राहुल को कार चलाने का शौक है, राहुल इज फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार। कार नहीं कार। ठीक है दोस्तों, कॉपी कर लीजिए।